बच्चों आज ये लिमिट का पार्ट 7 हम लोग देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में जो एसोसिएटेड रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट और ये सब से रिलेटेड जो सवाल लिमिट से मैं पूछता है उस तरह के सवाल को आज डिस्कस करेंगे। और इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ग्राफिकल अप्रोच परफेक्ट होता है बच्चों, तो हम लोग इससे कुछ ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे और कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। और एक बात बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मेरे वीडियो को देखा, उसमें व्यूज आया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना शोर शराबा के बावजूद भी मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो देखते हैं हम लोग लिमिट पार्ट 7। इसमें पहला बात देखें हम लोग ग्राफ ऑफ साइन एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, इसका ग्राफ देखें। तो देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा ग्राफ, ठीक। इसमें हम लोग और डीप में इसका डिस्कशन करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, और ये -1 से 1 के बीच में होता है। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों अपने ही वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ ज़रूरत है तो हम इसको दोबारा से फिर कर दे रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ -1 और +1 के बीच में होता है और एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वाई इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ। तो टेन एक्स का ग्राफ जो होता है बच्चों, टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है और ये इसका वर्टिकल एजम्प्टोट्स होता है, ठीक, ये इसका वर्टिकल एजम्प्टोट्स होता है पाई बाई टू पर, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर और एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू इसका वर्टिकल एजम्प्टोट्स है और इसी के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता है। वाई इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ देखें बच्चों, तो वाई इक्वल टू कॉट एक्स का जो ग्राफ होता है तो उसको यहाँ से देखिए, कॉट एक्स के ग्राफ में यहाँ हुआ पाई बाई टू, इसके आगे हुआ पाई, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ऐसा और ये इसका वर्टिकल एजम्प्टोट्स है। एक्स इक्वल टू जीरो पाई बाई टू पाई, आप इधर आएंगे तो यहाँ होगा माइनस पाई बाई टू और यहाँ माइनस पाई, ये माइनस पाई बाई टू है और यहाँ भी आप इस तरह का लाइन एक खींच दें और ऐसा ग्राफ आपको दोबारा रिपीट होता हुआ दिखेगा, ठीक, ऐसा ग्राफ जैसा ये है इस पार्ट में वैसा ही इस पार्ट का ग्राफ होगा। तो ये बेसिकली इस 3 फंक्शन पर ग्राफ आता है, इसको आप देखें, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इसको आप नोट कीजिए और अगला टाइप के फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ, ये दूसरा नंबर पॉइंट होगा, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, इस तीनों का ग्राफ। कोई भी इनवर्स फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ अगर आप जानते हैं तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, बोथ आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो हम लोग खींच रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में खींच रहे हैं, तो साइन एक्स का रेंज हो गया -1 से 1, इसका रेंज हो गया -1 से +1। अब ये इसका रेंज इनवर्स का डोमेन बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इसी का इमेज जैसे ये इधर खुल रहा है तो वो इधर खुलेगा, ये एक मिरर है, इसी के अबाउट खींचना है आपको, यहाँ है आपका पाई बाई टू,
यहाँ है आपका माइनस पाई बाई टू, ये एक्स में पाई बाई टू है तो वहाँ वाई में पाई बाई टू जाएगा, ये पाई बाई टू वाई में जाएगा, जो एक्स में पाई बाई टू है ये वाई में पाई बाई टू जाएगा। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, और जो ये ग्राफ इधर आया है तो ये वाला ग्राफ इधर आएगा, यही वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो चुका है, ठीक है। और ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, यहाँ देखिए एक्स में माइनस वन है, सॉरी वाई में माइनस वन है साइन एक्स के केस में, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें वाई में माइनस वन से प्लस वन तक है, इसमें ये एक्स में माइनस वन से प्लस वन तक होगा, माइनस वन से प्लस वन तक ये ग्राफ होगा बच्चों, ठीक। यहाँ एक्स में पाई बाई टू है, यहाँ वाई में पाई बाई टू होगा, यहाँ भी वाई में पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो अगर इसको साफ सुथरा बनाने का प्रयास करें तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, इसको हम लोग साफ सुथरा अगर बनाएं तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। माइनस वन से प्लस वन के बीच में, और यहाँ पाई बाई टू और यहाँ माइनस पाई बाई टू, ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सिमिलरली आप टेन एक्स का ग्राफ बनाइए, वाई इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल ले लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। तो अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ में वर्टिकल एसिम्प्टोट्स था पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, तो इसका ये जो x में माइनस पाई बाई टू था और प्लस पाई बाई टू, ये y में आएगा पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू, और ये ग्राफ जीरो पर जीरो होगा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बनेगा, वहां वर्टिकल एसिम्प्टोट्स था उसका, ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपको y इक्वल टू टेन इनवर्स x का, ये x और ये y, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में आप देखें जो एसिम्प्टोट था वो था जीरो और पाई, ठीक है, पाई बाई टू से उठना स्टार्ट किया था, पाई बाई टू पर जीरो था, और इसका एसिम्प्टोट तो देखिए ये एक जीरो हो गया और दूसरा हो गया एक पाई, ठीक है, ये है आपका पाई और यहाँ पर पाई बाई टू, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा, कुछ ऐसा। ये सब बेसिक ग्राफ है बच्चों, इस पर थोड़ा कमांड रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आप इसको बच्चों नोट कीजिए, देखिए बच्चों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, साइन एक्स बाय एक्स के बारे में डिस्कशन, टेन एक्स बाय एक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये किस तरह का कंडीशन गेन करता है। तो आप देखिए साइन एक्स बाय एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे आप, सॉरी ग्राफ नहीं, साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इधर भी अगर ऐसा बनाना चाहें तो इधर और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग को देखना है डिस्कशन ऑफ साइन एक्स बाय एक्स और टेन बाय एक्स बाय एक्स नियर एक्स इक्वल टू जीरो, यहीं पर हम लोग को चेक करना है ना। तो इससे कुछ बहुत बेसिक सवाल बनता है, टेक्निकल सवाल बनता है, उसी को आज हम लोग देख रहे हैं। तो ये है वाई इक्वल टू एक्स, ठीक, ये y इक्वल टू एक्स है और ये ग्राफ को आपका। अब यहां पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं या इधर भी कोई पॉइंट ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो इधर का नेचर होगा वही इधर का नेचर होगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। यहां पर x इक्वल टू एक्स नॉट अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं आप, और ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो आप देखिए ये ऊंचाई ज्यादा है इस ऊंचाई से, है ना, यानी x बड़ा है साइन x, इसका मतलब
एक्स बाय साइन एक्स ये होगा ग्रेटर देन वन और साइन एक्स बाय एक्स ये होगा लेस देन वन। इसको दिमाग में रखना है बच्चों, इसको दिमाग में रखना है कि एक्स बाय साइन एक्स, एक्स मतलब ये ऊंचाई है y इक्वल टू एक्स और ये ऊंचाई है साइन एक्स। तो आप देखिए x बड़ा है साइन एक्स से, तो x बाय साइन एक्स एक से बड़ा होगा और साइन एक्स बाय एक्स एक से छोटा होगा। उसी तरह टेन एक्स के ग्राफ में देखते हैं, टेन एक्स का ग्राफ लें तो कुछ ऐसा होगा और यहां पर y इक्वल टू एक्स खींचे तो कुछ ऐसा होगा। यहां देखें अगर x बराबर x नॉट कोई पॉइंट लेते हैं आप, तो यहां से यहां का ऊंचाई है 10x और यहां पर या 10x नॉट ले लीजिए आप, ठीक है, और यहां से यहां का ऊंचाई है y इक्वल टू एक्स के हिसाब से यहां का ऊंचाई हो गया x नॉट, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए ऊंचाई किसका ज्यादा है, 10x नॉट का, यानी 10x बड़ा है x से, इसका मतलब 10x बाय x बड़ा है 1 से और 10x बाय x छोटा है 1 से। इसको दिमाग में रखेंगे बच्चों। अब इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए बच्चों, ठीक है। जनरली बच्चों टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर देखें, इसका ग्राफ अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ वाई इक्वल टू एक्स कोई लाइन खींचे तो ऐसा होगा, यहां पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अगर कोई पॉइंट रख लें तो आप देखिए ये ऊंचाई, क्योंकि ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो जो y का वैल्यू होगा वो x नॉट होगा यहां से यहां का ऊंचाई, और यहां से यहां का वैल्यू जो है ये है ग्राफ y इक्वल टू टेन इनवर्स x का, तो ये ऊंचाई हो गया है आपका टेन इनवर्स x और ये ऊंचाई है x। तो आप देखिए x बड़ा है टेन इनवर्स x से, ठीक है, नियर जीरो, और x बाय टेन इनवर्स x ये क्या होगा ग्रेटर देन वन, और इसी का उल्टा करेंगे तो टेन इनवर्स x बाय x ये क्या होगा लेस देन वन। अब साइन इनवर्स x और टेन इनवर्स x के बीच का रिलेशन देखें, तो देखिए टेन इनवर्स x, पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू एक्स है और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है ना, ठीक। तो आप देखिए साइन इनवर्स एक्स का ऊंचाई टेन इनवर्स एक्स से बड़ा है, यानी साइन इनवर्स एक्स बड़ा है टेन इनवर्स एक्स से, यानी साइन इनवर्स एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स ये क्या होगा एक से बड़ा होगा, और उल्टा अगर कर देंगे आप तो टेन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स एक से छोटा होगा। तो अब देखते हैं बच्चों अगला ग्राफ, तब तक आप इसको नोट कीजिए बच्चों, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगला अगर आप देखते हैं बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है, और ये इधर भी चलता जाएगा और ये इधर भी चलता जाएगा,
यहाँ होगा जीरो, यहाँ होगा पाई बाई टू, यहाँ होगा पाई, ये होगा थ्री पाई बाई टू और यहाँ होगा टू पाई। सिमिलरली इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ होगा माइनस पाई बाई टू और यहाँ होगा माइनस पाई, ये होगा माइनस थ्री पाई बाई टू और यहाँ होगा माइनस टू पाई। ये हो गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इस सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी देखें तो इसका ग्राफ ये है, क्योंकि लिमिट बनाने में लिमिट का टेक्निकल सवाल जब सॉल्व होगा जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड, तो उसमें ग्राफ से ही सवाल को कैसे सॉल्व करें इसके लिए ही ये सब आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है। अगला ग्राफ देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो होता है बच्चों ये y इक्वल टू x के जैसा ग्राफ होता है, लेकिन ये बाउंडेड होता है 1 से लेके यहाँ माइनस वन, प्लस वन, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन, ठीक है। और cos इनवर्स, cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। अब इसके रेंज में डोमेन में देखिए तो एक से बड़ा होता ही नहीं है, एक से बड़ा आप नंबर नहीं ले सकते हैं, आपको माइनस एक से एक तक ही इसका डोमेन लेना होगा, ठीक है। और यहाँ एक्स का डोमेन रियल नंबर है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। थैंक यू। बच्चों पहला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी सवाल है उसमें ये जो ब्रैकेट है वो जीआईएफ का है और जो ये वाला ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का है। तो देखिए ये सब सवाल तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखें तो साइन इनवर्स एक्स एक्सटेंस टू वन और इसका जीआईएफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। और यहाँ भी कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये होगा पाई बाई टू और ये होगा माइनस पाई बाई टू और ये है वन। वन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और वन से ज्यादा ले नहीं सकते, वन माइनस में ही आपको आना होगा क्योंकि इसका डोमेन एक से कम होता है। माइनस वन से वन के बीच में इसका डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो वन से कम आए तो ये क्या हो रहा है, पाई बाई टू से कम। तो पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, 3.14/2 यानी 1.57। तो 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1। सेकंड सवाल देखें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। बाहर में साइन है, अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका ग्राफ होगा यहाँ वन देखें। तो अब देखिए इसमें वन से ज्यादा आप ले नहीं सकते क्योंकि तो अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो वन से ज्यादा आप ले नहीं सकते और यहाँ भी आएगा वन। तो वन से कम का, वन तक तो पहुंचना नहीं है, वन से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अंदर में क्या है ये पूरा ये ग्राफ दिखा रहा है बच्चों, ये पूरा फंक्शन का ग्राफ यही है। अब इसको नहीं देखना है, ये डरावना चीज देखना ही नहीं है, ये पूरा फंक्शन का ग्राफ यही है। अब आप जब x एक की तरफ बढ़ रहे लेफ्ट से, तो आप एक की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक तो पहुंच नहीं रहे, एक से कम, तो एक से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1-x ये क्या होगा, 0, ठीक है। थर्ड नंबर सवाल देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ यही था और ये हम लोग को पाई बाई टू तक ही जाना है। तो पाई बाई टू यहाँ है और यहाँ भी होगा पाई बाई टू, ठीक। तो अब देखिए जब आप एक्सटेंस टू पाई बाई टू या तो लेफ्ट से या तो राइट से जाएं, तो आप इस पॉइंट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे यानी पाई बाई टू तक। तो लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये क्या होगा,
पाई बाय टू से कम, पाई बाय टू से कम, क्योंकि पाई बाय टू तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट पाई बाय टू तक लेना ही नहीं है। x टेंस टू पाई बाय टू है तो पाई बाय टू से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3.14 से बाय टू, यानी 1.57 से जस्ट पहले का इंटीजर क्या होगा, 1। ठीक है, फोर्थ नंबर सवाल में आवे बच्चों, तो वहां दिया है साइन x बाय x। तो आप एक चीज देखिए, ये साइन x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। तो आप देखिए x बड़ा है साइन x से, ठीक, तो साइन x बाय x क्या होगा, x से छोटा होगा। तो लिमिट x टेंस टू जीरो अगर करें और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाय x, तो एक से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो। ठीक, पांचवा नंबर में देखें बच्चों, साइन इनवर्स x बाय x, यही सवाल है, लिमिट x टेंस टू जीरो और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। साइन इनवर्स x बाय x का ग्राफ अगर देखें, साइन इनवर्स x का ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा होता है और ऐसा होता है, और ये y इक्वल टू x है, तो साइन इनवर्स x हमेशा x से बड़ा होता है। तो यानी साइन इनवर्स x बाय x क्या होगा, एक से बड़ा, और एक से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स x। ठीक, तो tan इनवर्स x का ग्राफ अभी हम लोग देखे थे, ये ग्राफ ऐसा और ऐसा होता है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में इसका ग्राफ आता है। अब क्या बोल रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी, तो ये किस नंबर को टेंड कर रहा है, पाई बाय टू को, ये पाई बाय टू को टेंड कर रहा है, यानी लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स x, ये किस नंबर को टेंड कर रहा है, पाई बाय टू को, और पाई बाय टू को टेंड कर रहा है, यानी 3.14 बटे 2, यानी 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखें, tan x बाय x, tan x बाय x का ग्राफ अगर देखें बच्चों, तो tan x का ग्राफ ऐसा होता है, और यहाँ ये कंडीशन है, यानी tan x बड़ा होता है x से, देख लीजिए tan x इस ऊंचाई से बड़ा है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो tan x बाय x क्या होगा, एक से बड़ा, तो एक से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एक ही होगा, तो लिमिट x टेंस टू जीरो tan x बाय x इसका वैल्यू हो जाएगा 1। एट नंबर सवाल देखें बच्चों, tan इनवर्स x बाय x, तो यहां से देख लीजिए, ये है y इक्वल टू x, तो आप देख लीजिए x बड़ा है tan इनवर्स x से, x बड़ा है tan इनवर्स x से, तो tan इनवर्स x बाय x क्या होगा, एक से छोटा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा। तो लिमिट x टेंस टू जीरो tan इनवर्स x बाय x इसका वैल्यू जीरो होगी। लॉजिकली इसका ग्राफ अगर क्लियर है बच्चों, तो ये सब सवाल एक एक सेकंड में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 9, अब ये है कॉटेक्स, पहले कॉटेक्स का ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो कॉटेक्स का ग्राफ अगर बनाएं तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये हो गया जीरो, और यहाँ से ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ, ये हो गया पाई बाय टू, जीरो, यहाँ होगा माइनस पाई बाय टू, और यहाँ होगा माइनस पाई, ठीक है, और यहाँ से ग्राफ ये ऐसा आएगा। तो आप देख लीजिए 9 नंबर में, ये कॉट एक्स का ग्राफ अगर आप जीरो की तरफ टेंड करते हैं, जीरो प्लस से, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस अगर करते हैं आप कॉट एक्स, तो ये जाता है प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस करते हैं बच्चों, तो ये जाता है माइनस इन्फिनिटी, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10,
10 में है लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी और कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ अभी हम लोग देख चुके हैं, कॉट इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक, तो जब हम लोग एक्सटेंस, और यहां पर क्या होता है, ये होता है पाए और ये है जीरो। ठीक है, ये y इक्वल टू पाए है और ये y इक्वल टू जीरो है। तो जैसे आप एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी बढ़ते हैं, यानी इस तरफ, ये ग्राफ किसको टेंड करने का कोशिश कर रहा है, इस लाइन को, और इस लाइन का वैल्यू क्या है, पाए। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंस टू माइनस इंफिनिटी कॉट इनवर्स एक्स ये किसको टेंड करेगा, पाए को, यानी 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3। ठीक, तो आप देख रहे हैं ग्राफ अगर आपको आता है, ग्राफ पर आपका थोड़ा प्रैक्टिस है, जितना ग्राफ आपको दिखाया गया है लिमिट के लिए उतना ही ग्राफ ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसी तरह का लिमिट जो है किताब में भी, अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाएंगे तो उसमें भी इस तरह का ग्राफ दिया रहता है या उससे रिलेटेड सवाल पूछा रहता है। तो 10 नंबर के बाद 11 नंबर देखें सवाल, इसी में इसको देख लिया जाए कि एक्सटेंस टू अगर प्लस इन्फिनिटी है, 11 नंबर को इसी ग्राफ से देख लें, अगर एक्सटेंस टू प्लस इन्फिनिटी है तो आप किस नंबर को टेंड कर रहे हैं, जीरो को। ठीक है, जीरो प्लस को, क्योंकि यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, तो जीरो प्लस को, जैसे यहाँ माइनस इन्फिनिटी था तो ये किसको टेंड कर रहा है, पाई माइनस को, यानी 3.14 से कम, तो ये हो गया 3। उसी तरह जीरो प्लस को एक्सटेंस टू प्लस इन्फिनिटी कॉट इनवर्स एक्स, यानी ये किसको टेंड कर रहा है, जीरो प्लस को, जीरो प्लस का जीरो। 12 नंबर सवाल देखें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए साइन एक्स बाय एक्स, तो साइन एक्स बाय एक्स अगर देखें, ये साइन एक्स है और ये एक्स है। ये बार बार हम ग्राफ बना बना के आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ताकि आपको जो है पीछे जाने का जरूरत नहीं हो, इसी के सामने ही आपको डिस्कशन मिलता रहे। तो आप देखिए यहां से x बड़ा है साइन x से, इसका मतलब साइन x बाय एक्स क्या है, लेस देन 1 से। अब ये साइन x बाय एक्स लेस देन है 1 से, एक्स टेंस टू 0 में, तो इसका मतलब 1 से कम का फ्रैक्शनल पार्ट आपको चेक करना है, 1 से कम का फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप देख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आप बना रहे हैं, यही है, यही है, ये 1 है, ये 0 है, 1 से जस्ट कम का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये फंक्शन को चेक करना है कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो वैल्यू लेस देन 1 है, और लेस देन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक, 13 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, यहां x बाय साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है। तो देखिए आप x बाय साइन x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1 से जस्ट बड़ा, ये y इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय साइन x का लिमिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहां पर देखें 14 नंबर सवाल, x बाय साइन x पूछ रहा है। तो देखिए x बाय साइन x क्या है, 1 से बड़ा, उसका ग्राफ पहले से ही खींचा हुआ, x बाय साइन x 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो ये 14 नंबर सवाल हो गया बच्चों। 15 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है, 15 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। x बाय साइन इनवर्स x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये साइन इनवर्स x है। तो आप देखिए साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, अब ये y इक्वल टू x है। तो यहां देखिए साइन इनवर्स x बड़ा है x से, तो x बाय साइन इनवर्स x क्या होगा, छोटा होगा 1 से, इसको इधर ले जाइए, 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताना है, तो अब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बना लीजिए, और 0 से 1, 1 से छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, 1 से जस्ट छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर होगा 1।
आगे सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 16। यहाँ दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और ये ऐसा है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स से बड़ा है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स का वैल्यू एक से बड़ा होगा और एक से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट, हम देखिए एक से बड़ा का फ्रैक्शनल जस्ट पार्ट क्या होगा, 0 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 0। 17 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, x by sin inverse x। तो यहाँ देखिए x by sin inverse x इसी ग्राफ में अगर देखें, इसी कंडीशन में, तो x by sin inverse x क्या है, एक से छोटा है, पर एक से छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, एग्जैक्ट 1 होगा। तो 17 नंबर सवाल में आंसर क्या हो जाएगा, x by sin inverse x, सॉरी वह ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है बच्चों, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये वैल्यू एक से छोटा होता है और एक से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स बाय एक्स। तो आप देख लीजिए टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है और वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो टेन एक्स क्या है, एक्स से बड़ा, टेन एक्स बड़ा होता है एक्स से, तो टेन एक्स बाय एक्स का ग्राफ क्या होगा, टेन एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, टेन एक्स बाय एक्स और 1 से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट, देखिए 1 से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा, जस्ट 0 होगा, एग्जैक्ट 0। 19 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, एक्स बाय टेन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए यहाँ से टेन एक्स बड़ा है x, तो x बाय टेन एक्स क्या होगा, एक से छोटा होगा, तो एक से छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखिए एक से छोटा का जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 0 x बाय टेन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। और 20 नंबर आप खुद ट्राई करेंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे, 21 भी 22 भी, ठीक है। 23 नंबर सवाल हम ट्राई करते हैं बच्चों, तो देखिए इसको ट्राई किया गया, इसको हम डिलीट करते हैं बच्चों। आप जब इस सवाल को ट्राई करेंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया है आप उसको समझ पाए। देखिए 20 साइन वर्स एक्स, साइन वर्स थीटा और थीटा के बीच का ग्राफ देखें, तो ये साइन वर्स एक्स का ग्राफ है और ये एक्स का ग्राफ है, तो साइन वर्स 3x बड़ा होगा 3x से, तो साइन इनवर्स 3x बाय 3x ये बड़ा होगा 1 से, इसका मतलब 3 साइन इनवर्स 3x बाय 3x ये बड़ा होगा 3 से, और 3 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 24। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स 3x बाय x। यहाँ भी हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 करते हैं और यहाँ लिखते हैं 3 tan इनवर्स 3x बाय 3x। यहाँ देखिए tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, और ये y इक्वल टू x है, इसका मतलब 3x बड़ा है tan इनवर्स 3x से, तो tan इनवर्स 3x बाय 3x ये छोटा होगा 1 से, तो 3 tan इनवर्स 3x बाय 3x ये छोटा होगा 3 से, और 3 से कम का फ्रैक्शनल पार्ट, तो अब देखिए यहाँ ये हुआ 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 3 से कम का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बच्चों क्या होगा, 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 देखें, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स है। तो आप देखें यहाँ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, तो यहाँ से देखिए क्लियर है कि साइन इनवर्स एक्स
बड़ा है टेन इनवर्स एक्स से, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स ये बड़ा है वन से, और वन से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? तो अब देखिए ये वन है, वन से बड़ा का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू हो गया जीरो। ठीक है बच्चों, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 26 में है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स साइन एक्स, इसको तोड़ते हैं तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय एक्स इंटू टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई टू इससे कैंसिल हुआ, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो और ये हो गया टेन एक्स बाई टू बाय एक्स, यहाँ भी आप एक्स बाई टू कर दीजिए और यहाँ टू से गुणा कर दीजिए, ये हो गया लिमिट एक्सटेंस टू जीरो हाफ टेन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू। तो अब टेन थीटा बाई थीटा का यानी टेन एक्स बाई एक्स का ग्राफ अगर देखें बच्चों, तो टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब टेन एक्स बाई टू ये बड़ा है एक्स बाई टू से, तो टेन एक्स बाई टू जो है एक्स बाई टू से एक से बड़ा होगा, यानी टेन एक्स बाई टू बाय एक्स बाई टू इंटू हाफ ये बड़ा होगा हाफ से, और हाफ से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाफ से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? तो वो जीरो होगा, इसका आंसर होगा जीरो, हाफ से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों जीरो होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 27, नंबर सवाल देखें तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और यहाँ टू से टू कैंसिल हुआ, साइन एक्स बाय साइन एक्स बाय टू कैंसिल हुआ, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो होगा कितना? टेन एक्स बाय टू। अब टेन एक्स बाय टू है तो टेन एक्स का ग्राफ अगर देखें हम लोग, तो टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों पर देखें, ठीक है, तो जीरो प्लस पर देखें तो ये जीरो की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव में, जीरो प्लस जा रहा है यानी यहाँ से दो लिमिट हम लोग को क्लियर करना होगा, ये क्या है एफ जीरो प्लस पर, एफ जीरो प्लस पर देखें तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, यानी ये जीरो प्लस की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों जीरो होगा, और अब जीरो माइनस देखें, जीरो माइनस में जीरो से कम में ये जीरो माइनस हो रहा है, तो जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन होगा, यानी ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो एन साइन थीटा बाई थीटा प्लस एन टेन थीटा बाई थीटा, ठीक, और इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए आप साइन थीटा यानी साइन एक्स और एक्स के बीच में अगर ग्राफ देखें तो एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स लेस देन वन होता है, साइन एक्स बाय एक्स लेस देन वन होता है, इसका मतलब साइन थीटा बाई थीटा भी लेस देन वन होगा, यानी एन साइन थीटा बाई थीटा लेस देन एन होगा, और ये एन से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एन से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? एन माइनस वन होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एन माइनस वन प्लस इसका देखें टेन थीटा बाई थीटा, तो टेन थीटा का बच्चों ग्राफ ये होता है और ये y इक्वल टू x है, तो tan थीटा बड़ा है थीटा से, तो tan थीटा बाय थीटा का ग्राफ 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा का यानी n tan थीटा बाय थीटा का ग्राफ, या यहाँ पर नहीं जगह है बच्चों तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि tan थीटा बाय थीटा 1 से बड़ा है, n tan थीटा बाय थीटा एन से बड़ा होगा, और एन से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों एन,
तो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास आएगा 2n-1। तो बच्चों जितना भी टाइप का टेक्निकल सवाल होता है GIF और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड, इनवर्स फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या x/10x टाइप का या tan इनवर्स x/x टाइप का या sin इनवर्स x/x, इस तरह का जितना भी सवाल है उसको हम लोगों ने टैकल किया है बच्चों। आशा है आपको ये समझ में आएगा, और जो आपको 2-4 टास्क दिए हैं उसको थोड़ा कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद।